चमत्कार चर्च टीवी में आपका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, आज इस दुख के समय में, जब पूरा संसार दुख में गुजर रहा है, इस महामारी में, तो आपसे मैं परमेश्वर के पवित्र वचन में से कुछ बात करना चाह रहा हूं। गिनती की पुस्तक उसका 16 अध्याय में जब हम लोग महामारी के बारे में पढ़ते हैं, इससे पहले कि हम लोग मैं ये वचन में पढूं, एक बात आपसे मैं कहूं, मैं आपके लिए पैरे पर खड़ा हुआ हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आपके लिए पैरे पर खड़ा हूं। आपको भी कुछ कार्य करना है। यह सत्य है कि तीतस में लिखा हुआ है, जैसे तीतस 3:1, लोगों को सुधि दिला कि हाकमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहता हूं कि आप अपने जो सरकार के अधिकारी हैं उनके अधीन रहें और उनकी बात माने। इस महामारी के समय में यह आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जो आत्मिक बातें हैं वो हम लोग आपसे बात करते हैं। जो भी आपको निर्देश देते हैं, आज्ञा देते हैं, वो लोग सरकार उसके अनुसार आप पालन कीजिए। लेकिन हम जो आत्मिक तौर पर आपको कह रहे हैं, इनका भी आपको पालन करना है। और आप निश्चिंत रहें, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं आपके लिए पैरे पर खड़ा हूं। नहमिया जो राज्यपाल था, यहूदा का प्रशासक था, वो बहुत ही सुचेत होकर, जब शहरपनाह बनाई जा रही थी, सुचेत होकर कार्य कर रहा था, उपवास, प्रार्थना और फिर कार्य करना उसने शुरू किया, यानी कि वो पैरे पर खड़ा था। लेकिन इसके साथ साथ ही वहां लिखा हुआ है कि उसने अपने लोगों से कहा, नहमिया ने, अपना अपना पैरा अपने अपने घर के सामने दिया करो। सो आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप भी अपना अपना पैरा दें। मैं और मेरा परिवार चैन प्रेयर के द्वारा आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरी बहुएं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, हम सब पूरा परिवार आपके लिए चैन बनाकर प्रार्थना कर रहे हैं। एक घंटा, दूसरा एक घंटा, उसके बाद एक घंटा। और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, मैं और मेरा परिवार पैरे पर खड़े हुए हैं कि इस महामारी में आप पर कोई भी संकट ना हो। लेकिन आपसे ये विनती करते हैं कि आप अपने अपने परिवार के लिए जरूर पैरा दें। क्या आप प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आप अपने घर में चैन बनाकर प्रार्थना करें। अगर पूरा दिन 12 घंटे नहीं आप कर सकते, 8 घंटे कीजिए, 7 घंटे कीजिए, 2 घंटे कीजिए, चैन बनाकर कर लीजिए। घर में 3 लोग हैं, एक एक घंटा लगातार कर लें, और फिर शाम को फिर एक एक घंटा लगातार, एक घंटा वो, एक घंटा वो, एक घंटा वो, या आधा घंटा वो, आधा घंटा, आधा घंटा, जैसे भी आप सेट करें। जहाँ सुबह से लेकर ज़्यादा जन है आपके परिवार में तो 8 घंटे, और ज़्यादा हैं तो संयुक्त परिवार है तो 24 घंटे भी कर सकते हैं। तो आप भी प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर के लोगों, एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, गिनती की पुस्तक में 16 अध्याय में, यहां पर जब महामारी आई, वहां लिखा इसराइलियों में महामारी, गिनती 16 अध्याय और 41 वचन से लेकर 50 वचन तक जब हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां कुछ ऐसा हुआ, उस बात पर मैं नहीं जाना चाह रहा कि क्या हुआ, लेकिन उनमें महामारी फैलना शुरू हो गई।
परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं थे, इसलिए उन लोगों में महामारी शुरू हो गई। तब वहां लिखा है, मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्राश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। महामारी, मरी फैलने लगी है, लोग मरना शुरू हो गए थे उस मरी से, महामारी से। एक तरफ से मरी शुरू हो चुकी थी, आगे की आगे, आगे के आगे बढ़ रही थी। तो परमेश्वर के जन ने, मूसा ने कहा हारून से, जो उस समय महाजाजक था, हारून से कहा, धूपदान के लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जा, देरी ना कर, फुर्ती से जा। आप लोगों से जो मैं कहना कह रहा हूं, फुर्ती से कार्य करें, देरी ना करें, फुर्ती से जा और प्रजा के लिए, उन लोगों के लिए प्राश्चित कर, क्षमा मांग। आप अपने लिए क्षमा मांग सकते हैं, आप इसको पूरा सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा। क्या किया उसने? दौड़ा, मंडली के बीच में दौड़ा। मूसा ने कहा फुर्ती कर इस काम के लिए, मरी शुरू हो गई है, अब समय नहीं है सोने का, अब मरी फैल चुकी है, अब समय नहीं है कि देरी करने का, फुर्ती कर, जल्दी से फुर्ती कर। और वो भी दौड़ा, धूप लेकर दौड़ा प्रजा के बीच में। उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्राश्चित किया और वह मुर्दों और जीवितों के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। हालेलुया, तब मरी थम गई। लेकिन उस समय तक और जो कोहरे के संग भागी होकर मर गए थे, उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए थे 14,700 थे। लगभग 14,700 लोग मर चुके, एकदम मरी फैली, परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का। तब उसने कहा, मूसा ने, फुर्ती कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। और वो दौड़ा, फटाफट दौड़ा और उसने धूप लिए और प्राश्चित करने लगा प्रजा के बीच में खड़े होकर। जैसे उसने प्राश्चित किया, जैसे वो धूप लेकर परमेश्वर की हजूरी में खड़ा, तब मरी थम गई। आप ध्यान दीजिए, तब मरी थम गई। मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, आज जरूरत है फुर्ती करने की। आज जो ये दिन है, ये सोने के दिन नहीं है, यह आराम करने के दिन नहीं है। महामारी प्रजा में फैल रही है, महामारी से विनाश हो रहा है, लोग मर रहे हैं, आपको उठना है। मैं तो आपके लिए पैरे पे खड़ा हूं, आप भी उठे मेरे साथ, धूप दान लेकर प्रजा के लिए प्राश्चित करें, प्राश्चित, लोगों के पापों की क्षमा मांगे। आप अपने परिवार के पापों की क्षमा मांगे, आप अपने पापों की क्षमा मांगे, आप लोगों के पापों की क्षमा मांगे और परमेश्वर को दुहाई दें, परमेश्वर जी इन लोगों के पाप माफ करो, परमेश्वर पिता, परमेश्वर मसीह अपने लहू से मेरे पापों को क्षमा कर, परमेश्वर मसीह मेरे पाप क्षमा हो, परमेश्वर मसीह जी अपने लहू से मेरे परिवार को धो दीजिए, परमेश्वर मसीह जी अपने पवित्र लहू से सारी कलीसिया को धो दीजिए, पाप क्षमा कर दीजिए, दया करो। हे परमेश्वर, आप तो दयालु परमेश्वर हैं, दया करने वाले परमेश्वर हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। ये जो धूप जलाकर वहां लेकर गया और प्राचित किया, मैं आपको बताऊं, जितनी देरी उसने की, आप ध्यान दें, जितनी देरी उसने की धूप जलाकर प्राश्चित करने के लिए, उतनी देर तक लोग मरते रहे, मरी से मरते रहे। जितनी देरी की उसने, तब तक 14,700 लोग मर चुके थे। जितनी देरी की, अगर वो फुर्ती करता और भी जल्दी करता तो यह गिनती कम होती, फिर भी अगर वो देरी करता तो यह गिनती हजारों से लाखों में जा सकती थी। इसलिए आपसे मैं कहता हूं, आप
धूप लेकर, कौन सी धूप, मैं अभी आपको बताता हूं, प्रायश्चित करें, पैरे पर खड़े अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। यह धूप जो है यह क्या है? भजन संहिता 141 अध्याय और उसका दो वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, भजन संहिता 141 अध्याय और उसका दो वचन, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप ठहरे, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप ठहरे। आपको मालूम है यह पवित्र आत्मा द्वारा लिखा हुआ वचन है। सो जो हमारी प्रार्थना है वो क्या है? सुगंधित धूप है। उस समय जो धूप थी वो सुगंधित धूप जलाते थे ऐसे से करके, और उसमें सुगंध द्रव से होती थी धूप। लेकिन आज जो मैं आपसे कह रहा हूं वो है हमारी प्रार्थना है। प्रजा के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें। धूप जलाकर वो जैसे उसने प्रायश्चित किया, मरी थम गई उसी समय उसी क्षण। आप देरी ना करें। फिर प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 8 वचन में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 8 वचन, जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थना है से भरे हुए सोने के कटोरे थे। धूप क्या है? पवित्र लोगों की प्रार्थना है। आप जब प्रार्थना करते हैं सुगंध धूप की तरह ये प्रार्थनाएं परमेश्वर के हजूर में पहुंचती हैं। और प्रकाशित वाक्य है 8 अध्याय 3 और 4 वचन में भी यही कहा गया है, धूप जो है वो प्रार्थना है पवित्र लोगों की जो परमेश्वर के हजूर में पहुंचती है। सो इसलिए आप धूप लेकर यानी कि प्रार्थना करते हुए प्रायश्चित करें और परमेश्वर के चरणों में अपने अपने लिए, अपनी कलीसिया के लिए, दूसरे लोगों के लिए, सबके लिए प्रायश्चित करें। परमेश्वर के लोगों, आपको चैन बनाकर प्रार्थना करनी है, लड़ीवार प्रार्थना करनी है। एक वचन हम लोग पढ़ते हैं यशाया 57 अध्याय उसका 14 और 15 वचन, यशाया 57 अध्याय उसका 14 और 15 वचन, पांति बांध बांध कर राजमार्ग बनाओ, पांति बांध बांध कर चैन बना इंसानों की चैन बनाकर, व्यक्तियों की चैन बनाकर, हाथ पकड़कर नहीं, सरकार जैसे कह रही है, पहले वो प्रार्थना कर रहा है, उसके बाद फिर दूसरा कर रहा है, फिर उस समय के बाद उस तीसरा कर रहा है, ऐसे पांति बांध कर राजमार्ग बनाओ, मेरी प्रजा के मार्ग में से हर एक ठोकर दूर करो, पांति बांध कर चैन प्रेयर बनाकर। और लिखा है क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है वह यूं कहता है, किसका नाम पवित्र है? एक ही है, हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता। वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर रहता हूं। परमेश्वर कहां रहता है? ऊंचे पर, स्वर्ग में रहते हैं, और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। कहां रहते हैं? पवित्र स्थान में भी रहते हैं, परमेश्वर के भवन में भी रहते हैं, और उनके संग भी रहता हूं जो खेदत और नमर हैं। उनके संग भी, जन के परमेश्वर स्वर्ग में हैं, रहते हैं, परमेश्वर चर्च में रहते हैं। अक्सर हम लोग कहते हैं चर्च में आओ क्योंकि प्रभु की हजूरी है वहां पर, लेकिन अब घर में चैन बनाएं प्रार्थना की, क्योंकि परमेश्वर कहां रहते हैं? खेदत और नमर लोगों के साथ भी रहते हैं। आपके घर में परमेश्वर रहते हैं, आपका घर परमेश्वर का निवास स्थान है। सो इसलिए परमेश्वर का वचन जैसे कहता है, अगर मेरी प्रजा दीन होकर मुझसे प्रार्थना करे तो उस देश से मैं मरी खत्म कर दूंगा और उस देश को मैं हरा भरा ज्यों का त्यों कर दूंगा। सो परमेश्वर के लोगों, मैं
आपसे यही कहना चाहता हूं, हाँ ये जो मरी की बात कर रहा था, ये जब परमेश्वर की प्रजा पर, परमेश्वर के लोगों पर मरी आने लगी थी उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन जब इसराइलियों पर नहीं बल्कि मिस्रियों पर परजाई थी, तो आपको पता है उस समय क्या हुआ था। उस समय परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया था। निर्गमन में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर जब उनके ऊपर विपत्तियां आती हैं, मरी आती है, महामारी आती है ऐसा कहूं, तो परमेश्वर अपने लोगों को समय बचाते हैं। पहली मरी जब आई उन पर, निर्गमन में 7 अध्याय से शुरू होता है ये, कि पानी जो था वो लहू बन गया, लोग नदी का पानी ना पी सके और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। लेकिन जो इज़राइलियों के पास पानी था वो लहू नहीं बना था, जो परमेश्वर के लोगों के पास पानी था वो लहू नहीं बना था, सब जगह पे पानी जो था वो लहू बन गया। दूसरी जब मेंढक आए थे, बड़ी समस्या, महामारी, और सब भर गए थे, यहां तक कि सिंहासन भी, उनके तंदूर, उनकी रसोई, उनके खाने पीने के सब बर्तन सब मेंढकों से भर गए थे। तब जहां पर परमेश्वर लोग रहते थे गिशोन में, यह घटना नहीं हुई थी, इस महामारी का असर उन पर नहीं हुआ था। तीसरा, जब कुटकियों के झुंड आए तो सारा मिस्रियों पर यह महाविपत्ति आई, लेकिन परमेश्वर के लोगों पर यह विपत्ति नहीं आई थी। फिर जब दासों के झुंड आए, चौथी महामारी आई, तो वहां लिखा है कि सब जगह थे, सब लोग महामारी से पीड़ित थे, लेकिन 8:22 में लिखा है, उस दिन मैं गिशोन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे, जिससे तो जान ले कि पृथ्वी के बीच में मैं ही यहोवा हूं और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। उन पर वो नहीं थी विपत्ति आई, महामारी का असर नहीं हुआ था। और पांचवी जब आई थी उनके ऊपर, जब पशु मरे थे, 9 अध्याय में, निर्गमन 9 अध्याय में वह लिखा है, दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, परंतु इसराइलियों का एक भी पशु ना मरा। उस महामारी में उनके पशुओं का भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। और जब छठी आई थी, फफोलों और फोड़ों का निकलना, तब भी मिस्रियों के ऊपर यह महामारी थी, लेकिन परमेश्वर की प्रजा के ऊपर यह महामारी नहीं आई थी। और जब 7वीं आती है महामारी, औलों की वर्षा होती है, लेकिन 9:26 केवल गोशोन प्रदेश में जहां इसराइली बसते थे ओले नहीं गिरे, वहां पर यह समस्या नहीं थी, वहां पर यह महामारी नहीं थी। परमेश्वर ने अंतर किया, परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया। और 8:10 में जब टिड्डियों का आक्रमण होता है, तब परमेश्वर की प्रजा पर यह विपत्ति नहीं आई थी। और 9वीं, जब पूरे मिस्र देश में अंधकार छा जाता है, और इतना अंधकार के आसपास बिल्कुल भी कोई देख नहीं सकता था, तब परमेश्वर के लोगों के घरों में उजाला था। निर्गमन 10:23 तीन दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इज़राइलियों के घरों में उज्याला रहा। हालेलुया, उज्याला रहा। महामारी में परमेश्वर अंतर करते रहे। और 10वीं तो आप जानते ही हैं, जब पलोठे मारे गए, पशुओं के भी, और हर एक पलोठा मारा गया, लेकिन परमेश्वर ने कहा, निर्गमन 11:7 पर इज़राइलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिश्रियों और इसराइलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूं। परमेश्वर ने बचाया, वो लहू लगाकर, मेमने का आपको मालूम है, और वो बलिदान जो है वो परमेश्वर मसीह है, मेमना परमेश्वर मसीह है, यूहन्ना में जैसे लिखा, और जो लोग उसे लहू से धुले हुए हैं वो बचाते हैं।
लेकिन यही इज़राइली जिनको यहां पर परमेश्वर ने बचाया था, ये आगे चलकर कुछ ऐसी बातें करते हैं कि परमेश्वर का क्रोध इन पर होता है और इनके ऊपर महामारी आती है। इसलिए मैं बात अपनी कर रहा हूं, परमेश्वर की प्रजा की कर रहा हूं। जब उनके ऊपर महामारी आई तब वो दौड़े और धूपदान लिए और यहोवा के सन्मुख प्राश्चित किया। जैसे ही प्राश्चित किया मरी एकदम थम गई। परमेश्वर के लोगों आज संभल जाएं। भारत देश के प्रधानमंत्री ने कहा है अगर एक दिन ये 21 दिन आप नहीं संभले तो 21 साल पीछे चले जाएंगे। मैं आपको ये बाइबल की बात बता रहा हूं, गिनती 14 अध्याय 34 वचन में लिखा, क्योंकि इजरायली नहीं संभले थे, 40 दिन देश का भेद लेने के लिए गए थे, वो नहीं संभले थे। तब परमेश्वर ने कहा था एक दिन के पीछे एक साल, जैसे भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है 21 दिन के पीछे, अगर 21 दिन नहीं संभले तो 21 साल पीछे चले जाएंगे, यानी कि एक दिन के पीछे एक साल। तो परमेश्वर कहा था 40 दिन के पीछे 40 साल, और आपको मालूम है 40 साल वो घूमते रहे और उस आशीष तक नहीं पहुंच पाए जहां तक उन्होंने तुरंत पहुंचना था। एक साल के पीछे, वहां साफ लिखा है एक साल के पीछे, गिनती 14 अध्याय 34 वचन, एक साल के पीछे 40 वर्ष। सो परमेश्वर के लोगों, मैं नहीं चाहता कि आप पीछे की ओर जाएं, इसलिए मैं आपके लिए पैरे पर खड़ा हूं ताकि इस मरी का आपके ऊपर कोई अधिकार ना हो। मैं आपके लिए प्रार्थित कर रहा हूं, लेकिन आप भी अपने प्रभु में बढ़े, खबरें सुने टेलीविजन पे, अफवाह ना सुने, खबरें सुने, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, परमेश्वर में मस्त रहें और चैन प्रेयर करना ना छोड़ें। चैन प्रेयर करते रहें, आपकी प्रार्थनाएं सुगंधित परमेश्वर के हजूर में पहुंचेंगी, प्राश्चित के साथ, क्षमा के साथ मांगते हुए कि परमेश्वर हमारे लोगों के पाप क्षमा करो, हम लोगों के पाप क्षमा करो, प्रजा के पाप क्षमा करो, इस दुनिया के पाप क्षमा करो, तो परमेश्वर का क्रोध ठंडा हो, ताकि इस महामारी, उसी समय महामारी रुक गई थी। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको आशीष दें, परमेश्वर आपके साथ रहें। आमीन।